हेलो, आई एम हियर। इतनी जल्दी आ गए क्योंकि चैप्टर 1073 जो आ चुका है अनऑफिशियली। तुम्हें कैसा लगा ये चैप्टर? मुझे तो बाकी चैप्टर जैसे ही ठीक ठीक लगा। डिटेल में बात करते हैं ऑन दिस चैप्टर आफ्टर दिस इंट्रो। लेट्स बिगिन। ओके, सो अपेरेंटली स्टस इज द अलाई ऑफ वेगापंक। ओडा ने मेरी इस वाले थ्योरी कितनी जल्दी मार ली भाई, सैड। वैसे अलाई की कैसे स्टस ने लुच्ची को हराया लिपस्टिक में सी स्टोन, डैम दैट्स व्हाट्स अप। एंड कामिया को क्या यूज़ किया ना स्टसी ने लुच्ची को फुद्दू बनाने के लिए। रोकुशी को स्ट्रॉन्ग लू यूज़ करते तो कितना मजा आता है ना। आई वॉन्ट टू सी समवन लाइक एन एडमिरल और मे बी सम गोरोसे टू यूज़ रोकुशी की। उन लोग तो भाई आग ही लगा देंगे। गोरोसे से रिलेटेड एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है इस चैप्टर के लास्ट में, जिसके बारे में मैं लास्ट में ही बात करेगा। अभी इस स्टसी वाले सिचुएशन के बारे में ही बात करते हैं। एक फैक्ट हमें पता चला है कि स्टसी 20 साल से अपनी रियल आइडेंटिटी छुपा रही थी। अब मुझे ऐसा लगता है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट को कभी पता ही नहीं था कि स्टसी एक क्लोन है, या फिर शायद उनको ये नहीं पता कि मैड्स वालों ने क्लोन बना रखा है पास्ट में। कुछ भी हो सकता है। गाइस एक चीज़ बताना, ये चीज़ तुम्हें भी डम लगा क्या कि स्टसी लुच्ची के सराफिन को दिए ऑर्डर्स को रोक नहीं सकती? द फक भाई, लाइक क्या? मेरे को बहुत अजीब लगा ये। मतलब अगर एक पंक ने कुछ ऑर्डर दिया किसी सेराफिम को तो दूसरा पंक उसे रोक नहीं पाएगा? दैट्स सो स्टूपिड। जो भी है, स्टसी अब निकल रही है इधर से स्ट्रॉ हैट्स और वेगा पंक के साथ। मेरे को पता नहीं क्यों बट स्टसी अभी भी सस लग रही है। मे बी इसलिए क्योंकि इसको एज अ नेगेटिव कैरेक्टर देखने का आदत हो गया है। वैसे स्टसी ने लुच्चिका को तो बेहोश कर दिया है, बट लुच्ची के कबूतर को उसने बेहोश नहीं किया है। वो लुच्ची के बाजू में बैठा रहेगा कि कुछ हरकतें करेगा, हु नोज। अरे हाँ, मैं इसके बारे में भूल ही गया था, ओडा ने सेराफिम मिहोक और जोरो का फाइट ड्रॉ किया है इस चैप्टर में। डैम, ये चीज़ मुझे सच में काफ़ी अच्छा लगा। मिहोक सेराफिम ऐसा स्ट्रगल कर रहा था ना लमाओ जोरो के अगेंस्ट। इट टेल्स अस कि सेराफिम कितने भी स्ट्रॉन्ग हो ओरिजिनल से बेटर नहीं है, क्योंकि भाई ओरिजिनल इधर होता, ओरिजिनल मिहोक होता तो भाई जोरो के लग जाते। इसके अलावा मार्को वीविल वाला सिचुएशन दिखा है। वीविल ने स्पिंक्स आइलैंड को प्रोटेक्ट किया था वाइल मार्को वॉज इन वानो। डैम डब्ल्यू वीविल, बट रियोको भी आके उसको ले गया। आई थिंक वीविल को हराने के बाद रियोको भी वानो निकला था, वरना वानो वॉर एंड होने के बाद उस पर टाइम ही कहाँ था इधर आके वीविल को ले जाने का, राइट? एंड रियोको की हरकत के चक्कर में भाई डोकरी से रोने धोने लग गई भाई, सैड। एक चीज़ ध्यान दिया तुमने, डोकरी स्टसी के डिस्क्रिप्शन में एक वर्ड है, साइंटिस्ट। मैंने ये चीज़ पहले शायद नोटिस नहीं किया था, या फिर पहली बार ये दिख रहा है, बट दिस इज इंटरेस्टिंग। स्टसी वॉज अ साइंटिस्ट, रॉक्स पैरेट्स में एक साइंटिस्ट था, डैम। एंड डोकरी स्टसी ने लगभग लगभग कंफर्म कर दिया है कि वीविल क्लोन है व्हाइटबेट का। व्हाइटबेट और वीविल ब्लड रिलेटेड तो है, बट ऐसा इसलिए है क्योंकि शायद से वीविल क्लोन है व्हाइटबेट का। मैंने पहले जैसा बोला था ना, वैसा ही होगा मेरे को लग रहा है। डोकरी स्टसी जवानी में कैसे तैसे व्हाइटबेट का लीनेज फैक्टर जुगाड़ कर ली और फिर वेगापंक को दे दी कि ये ले, इसको यूज़ करके मेरे लिए एक स्ट्रॉन्ग बेटा बना और बदले में तू मेरा भी क्लोन बना सकते है। वेगापंक पहले जवान स्टसी बनाया जो उस टाइम बच्ची होगी शायद, पता नहीं, और फिर वीविल को बनाया। मुझे एक चीज़ लेकिन और जानना है कि रियोकोग्यू वीविल को लेके गया तो ये डोकरी स्टसी कुछ कर क्यों नहीं पाई? लाइक कुछ भी नहीं हो पाया इससे भाई। एक एक्स रॉक की मेंबर इतनी वीक हो गई है भाई, इतनी ज़्यादा अजीब। एंड एट लास्ट किजारू वाला सिचुएशन। ये सिचुएशन मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि हमारे वन ऑफ दी फाइव एल्डर चीचा दिखे हैं इसमें। एंड इस वाले गोरोसे का नाम रिवील हुआ है, सेंट जैगर्सिया सैटर्न, फुल शनि और वॉट। फाइनली वन पीस उस स्टेज में पहुंच गया जहां पर गोरोसे का भी नेम रिवील चालू हो गया है, नाइस। ये सैटर्न बंदा एगहेड के बाहर क्या कर रहा है, वॉन्ट टू नो। ये पर्सनली वेगापंक को भरने आया है क्या? दिस इज एक्चुअली गुड इन माई ओपिनियन, क्योंकि आई डोंट थिंक सिर्फ किजारू सबको संभाल पाता। इवन अगर हम उसे लूफी जितना स्ट्रॉन्ग मान ले तो भी सिर्फ लूफी थोड़ी है बस एगहेड में। सेराफिम, वेगापंक, स्टसी और बाकी स्ट्रॉहैट्स भी तो है ना, उनको कैसे संभालेगा अकेला किजारू? प्लस इधर पे गोरोसे के आ जाने से अब वेगापंक के भी लग गए हैं। आई मीन भाई गोरोसे के पास हाईएस्ट लेवल ऑफ अथॉरिटी है ना सेराफिम का, मतलब वेगापंक को चाटा मार के आ सकता है डोकरा सेराफिम लेके। क्या हम जल्द ही इस गोरोसे का फुल पावर देखने वाले हैं? शायद हाँ। ऐसा भी हो सकता है कि ये गोरोसे इधर आया है क्योंकि लूफी यहाँ पर है एंड इसका प्लान है लूफी का पर्सनली काम तमाम कर देना
अगर ऐसा है तो आई एम श्योर कि दिस गुरु से स्ट्रॉन्ग इनफ टू हैंडल लूफी, वरना स्टूपिड थोड़ी है जो अपने से स्ट्रॉन्गर से भिड़ने आ जाएगा, राइट? आने वाले टाइम पर हमें एक अच्छा खासा फाइट देखने मिल सकता है स्ट्रॉ हैट्स वेगापंक लोग का ये गोरोसे और किज़ारू के साथ। एंड अगर इसका नाम सैटर्न है तो ऐसा हो सकता है कि बाकी के गोरोसे का नाम भी कुछ प्लैनेट से रिलेटेड ही हो, किसी का नाम जुपिटर हो सकता है, नेपच्यून, अरे कहीं इन पांचों में से ही तो किसी का यूरेनस भी नहीं है। जिस केरिंग है इतना फुद्दू थ्योरी भी नहीं सोचता मैं। स्टिल मार्स और वीनस नाम के गोरोसे एक्सपेक्ट कर रहा है मैं, ठीक है? इस टकले को मार्स बनाओ मस्त। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर फ्यूचर इवेंट्स। नेक्स्ट वीक ब्रेक है, सैड, बहुत टाइम के बाद एक ब्रेक को देख के मैं सैड हुआ है। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि मुझे चैप्टर ठीक ठीक लगी, बट नहीं, अब मैं पलट रहा हूं, मुझे चैप्टर अच्छी लगी। होप बढ़ा देने वाली चैप्टर है ये, बस ओडा हक ना दे होप पर, एंड दैट्स इट आई गेस। ज़ोरो वर्सेस मिहोक सेराफिम फिर से हो सकता है अगर ये गोरोसे चीचा अभी अंदर घुस गए तो। वैसे वो लोग वेगापंक लोग बाहर निकल रहे हैं एट द सेम टाइम, तो पता नहीं। काकुलुच्ची तो बेहोशी रहेंगे आई गेस फॉर अ वाइल। स्टसी का रोल इन फ्यूचर देखने के लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड है। लूफी वर्सेस सैटर्न या फिर लूफी वर्सेस किज़ारू दिखे तो मज़ा आएगा। क्या मार्को विविल को बचाने की कुछ कोशिश करेगा, ये भी मुझे जानना है। और हथौड़ी साहब कुछ अतलंग करेंगे क्या? वैसे वो भाई कबूतर ये क्या ही कर लेगा, क्या पता। एंड चलो मैं जाता है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में ही आवाज़ सुनने मिलेगी, तो बाय बाय।